सी प्रोग्रामिंग में जैसे हमने एक लाइन का एक प्रोग्राम बना लिया है, तो उसके बाद में उसको समझते हैं, उस प्रोग्राम के विभिन्न पार्ट्स को समझते हैं। इसके लिए मैं सी हाउ टू प्रोग्राम बाय पॉल डिटल एंड आरवे डिटल ये बुक है, उसको फॉलो कर रहा हूँ। उसमें एक कोट है विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत बड़े विद्वान लेखक रहे हैं। उसमें जो कोट है वो पढ़ के उसका अनुवाद करता हूँ। व्हाट्स द नेम दैट विच वी कॉल ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। नाम में क्या है, तो जैसे हम एक गुलाब का नाम लें, क्या उसे यदि किसी और नाम से पुकारें तो वो उतनी मधुर सुगंध देगा। ए सिंपल सी प्रोग्राम प्रिंटिंग ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, एक असाधारण सी प्रोग्राम इसमें एक पंक्ति लिख रहे हैं। इसमें कुछ कमेंट्स हैं, इन कमेंट्स को अब उदाहरण सहित समझने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश के बीच में कुछ लिखा है। तो स्लैश स्टार फॉरवर्ड स्लैश को मैं स्लैश ही बोलूँगा और बैकवर्ड स्लैश को बैक स्लैश या बैकवर्ड स्लैश बोलूँगा। तो फॉरवर्ड स्लैश स्टार और ये बैक स्टार फॉरवर्ड स्लैश, एक जगह स्लैश पहले है स्टार बाद में, दूसरी जगह स्टार पहले है फॉरवर्ड स्लैश बाद में। इसके बीच में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, कुछ लाइनें लिखी हैं जिनको हम कमेंट कहते हैं, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। उसके बाद में हैश, हैश मतलब दो वर्टिकल लाइन है, दो ओरिजेंटल लाइन है जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इस तरह का एक चिन्ह होता है, साइन होता है। उसके बाद में इंक्लूड का एंगल ब्रेसेस में लिखा है स्टीडियो stdio.h। उसके बाद में इंटमैन, इंटमैन के बाद में पैरेंथेसिस छोटा कोष्टक स्टार्ट और बंद, बाद में कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस मतलब मझला कोष्टक। उसके बाद में डबल स्लैश लिखा, डबल स्लैश मतलब फिर कमेंट है, ये वन लाइनर कमेंट है, मतलब इस लाइन में आगे जो कुछ लिखा है वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। उसके बाद में पांच बार प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा, यदि वन लाइनर प्रोग्राम बना लिया तो ये समझ में आता है, फिर भी इसमें समझाएंगे थोड़ा बहुत। रिटर्न जीरो ये प्रोग्राम के एंड को बताता है या फंक्शन कुछ रिटर्न करता है उसको बताता है, और कर्ली ब्रैकेट ऑफ ये मझला कोष्टक बंद। सबसे पहले हम बात करते हैं कमेंट। कमेंट को हम सी प्रोग्रामिंग में डबल स्लैश से स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसकी पठनीयता बढ़ाने के लिए, उसको जो पढ़ रहा है उसके वो प्रोग्राम पढ़ कर समझ आए, ये अच्छी गुणवत्ता का करने के लिए हम सी प्रोग्राम में कमेंट लिखते हैं। वो इनलाइन कमेंट मतलब डबल स्लैश के आगे जो लिखा है वो कमेंट का पार्ट है, मतलब वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा हम फॉरवर्ड स्लैश और स्टार स्टार फॉरवर्ड स्लैश के बीच में जो लिखते हैं उनको मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। इन दोनों जैसे स्लैश स्टार है और उसके बाद में हम कितने भी लाइंस लिख सकते हैं, उसके बाद में जहां स्टार फॉरवर्ड स्लैश आएगा वहां पर वहां तक का पूरा हिस्सा प्रोग्राम का पार्ट नहीं होगा, इसको हम कमेंट कहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। जो भी कमेंट्स होते हैं वो कंपाइलर उनको नहीं पढ़ता है। कंपाइलर हम उस डिवाइस या टूल को कहते हैं, उस प्रोग्राम को कहते हैं जो अपने हायर लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, या इधर के हम कहें कंपाइल करता है, उसको हम कंपाइलर कहते हैं। सी का जो कंपाइलर है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंपाइलर है, वो कमेंट्स को नहीं पढ़ता है, कमेंट्स को नहीं देखता है, कमेंट्स को कम्प्लीटली इग्नोर करता है। इसलिए जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो कमेंट्स किसी तरह का कोई एक्शन नहीं करते हैं, किसी तरह कोई एग्जीक्यूशन नहीं दिखाते हैं, किसी तरह का कोई आउटपुट नहीं दिखाते हैं, किसी तरह का कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। इस तरह से कमेंट्स हैं वो प्रोग्राम को कभी भी ख़राब नहीं करते हैं, कमेंट्स रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं। हाँ, प्रोग्राम कमेंट्स यदि ज़्यादा संख्या में हो जाएँ तो वो रीडेबिलिटी नहीं बढ़ाते, वो भी अच्छे नहीं होते। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं। प्रोग्राम की स्टार्टिंग हैश से है।
हैश का मतलब ये एक प्री प्रोसेसर कमांड है, प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले का कुछ इनपुट है। ये कंपाइलर इसको जो भी हैश लिखा है उसके बाद वाले को एज ए प्री प्रोसेसर लेता है, मतलब यहाँ से कुछ ये डिफाइन करता है, यहाँ से कुछ डेफिनेशंस लेता है, यहाँ से कुछ इंक्लूड करता है। हमने यहाँ लिखा है हैश के बाद में इंक्लूड, मतलब ये किसी बाहरी फाइल को इनपुट में इंक्लूड करेगा, इनपुट के रूप में इंक्लूड करेगा, उस फाइल से कुछ डेफिनेशंस लेगा, उस फाइल से कुछ इनपुट लेगा। किस तरह की इनपुट लेगा इसको भी हम देखते हैं। तो हमने हैश इंक्लूड के बाद में एंगल ब्रेसेज में लिखा है stdio.h। यार std स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, i फॉर इनपुट, o फॉर आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये स्टैंडर्ड आउटपुट पुट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को डिनोट करता है। डॉट एच मतलब ये हेडर फाइल है, तो इस हेडर फाइल में जो भी इनपुट और आउटपुट हैं उनकी परिभाषाएँ लिखी हुई हैं, उनकी डेफिनेशन है, तो इसको हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी कहते हैं। और इसके अंदर प्रेजेंट प्रोग्राम में ये जो प्रोग्राम यहाँ डिस्प्ले हो रहा है इसमें प्रिंट एफ की डेफिनेशन इसके अंदर है। उसके बाद हम देखते हैं मैन, तो मैन सी प्रोग्रामिंग का वो पार्ट है जो हर सी प्रोग्राम में लिखना ही होगा। सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में मैन ही इसका सबसे मुख्य पार्ट होता है। तो एक ये जो मैन लिखा है उसके बाद में पैरेंथेसिस लिखा है, छोटा कोष्ठक लिखा है और उसको बंद कर दिया है। ये किसी भी फंक्शन किसी भी जैसे मैन के आगे पैरेंथेसिस आ गया ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि मैन एक फंक्शन है। और ये एक कुछ डेफिनेशन रख सकता है जिसको हम आगे देखते हैं। सी प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं, जो भी सी प्रोग्राम में फंक्शन है उनमें एक फंक्शन मेन फंक्शन होगा, उसके अलावा और यूजर डिफाइंड कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं। सी प्रोग्राम कंटेन्स वन और मोर फंक्शन, वन ऑफ विच मस्ट बी मेन। एवरी प्रोग्राम इन सी बिगन्स एग्जीक्यूटिंग एट द फंक्शन मेन। सी प्रोग्रामिंग में जो भी प्रोग्राम है जो भी फंक्शंस हैं वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक फंक्शन मेन फंक्शन ज़रूर होगा। और जब भी सी प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम को रन करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे तो मेन में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब मेन जहाँ लिखा है वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, उसके अलावा एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके लास्ट में हमने रिटर्न जीरो लिखा है, कोई फंक्शन है वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, और वैल्यू रिटर्न करने का मतलब है उस फंक्शन को जहाँ कहीं भी कॉल किया गया है तो वहाँ पर उसकी एक वैल्यू बनती है, वो वैल्यू यहाँ जो रिटर्न के आगे जो लिखा है वो वैल्यू बनती है। यहाँ मेन फंक्शन में रिटर्न का मतलब प्रोग्राम के एंड से समझे, मतलब जहाँ जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो लाइन वाइज लाइन ऊपर से नीचे चलता रहता है, जहाँ उसको रिटर्न जीरो मिल जाता है वहाँ प्रोग्राम का एंड हो जाता है, प्रोग्राम अंत हो जाता है, प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, प्रोग्राम पूरा हो जाता है, एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है, एग्जीक्यूशन पूरा हो जाता है। ये रिटर्न के आगे जो नंबर लिखा है वो इंडिकेट करेगा यहाँ मेन से पहले क्या लिखा है। GCC कंपाइलर के साथ हम जैसे लिनक्स में काम करते हैं तो GCC कंपाइलर के साथ मेन से पहले हम इंट लिखते हैं, इंट का मतलब है इंटीजर, मतलब रिटर्न के बाद में जो नंबर लिखेंगे वो एक इंटीजर होना चाहिए। मेन फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर भी कई बार हम वॉइड लिखा देखते हैं या कुछ और लिखा देखते हैं, या वॉइड का मतलब है वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी इन्फॉर्मेशन, मतलब मेन फंक्शन है उसको जहाँ कहीं भी कॉल किया गया है तो इसको बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसने कोई इस फंक्शन ने कोई इन्फॉर्मेशन बाहर से नहीं ली है। इसमें ये मैन की वर्ड पैरेंथेसिस मतलब छोटे कोष्ठक के अंदर वर्ड लिखने का मतलब ये बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा है। और उसके जस्ट बाद में पैरेंथेसिस के जस्ट बाद में हमने लिखा है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, मझला कोष्ठक आरंभ किया। मझला कोष्ठक का मतलब यहाँ पर ये मैन फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट कर रहा है, मैन फंक्शन के बाद में हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया मतलब मैन फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट कर रहा है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पर मैन फंक्शन की बॉडी ख़त्म हो रही है, मतलब जो दो मझले कोष्ठक स्टार्टिंग और एंड हैं ये मिला के एक ब्लॉक बनाते हैं, इसको हम कहते हैं ब्लॉक। तो ये ब्लॉक है, ये मेन फंक्शन का की बॉडी है। अब हमने पूरे प्रोग्राम को कमेंट्स हटाकर एक साथ लिख दिया क्योंकि कमेंट्स एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं है, तो उसके अलावा जो कुछ लिखा कमेंट्स में हम अपनी मर्जी से जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैंने उस प्रोग्राम को लिख दिया और उसको एग्जीक्यूट करने पर आउटपुट में क्या आएगा वो लिख दिया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट में जो कुछ लिखा है वैसा वैसा आउटपुट में आ गया, उसमें कुछ एक चेंज आए हैं जो एस्केप सीक्वेंस से रिलेटेड हैं, वो हम अब आगे देखते हैं। तो
प्रिंट एफ क्या करता है, प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो कंप्यूटर पर जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं उस समय इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले का काम करवाता है, स्क्रीन पर दिखाने का काम करवाता है। और ये काम किस तरह से करता है, तो जैसे हमने पहला सेंटेंस देखा प्रिंट एफ, उसमें हमने उसके पेरेंथिसिस के अंदर डबल कोटेशन में हमने लिखा है लर्निंग सी प्रोग्रामिंग, तो डबल कोटेशन के अंदर जो लिखा है लर्निंग सी प्रोग्रामिंग ऐसा आउटपुट में ऐसा का ऐसा प्रिंट हो जाएगा, उसमें कोई भी चेंज आउटपुट में नहीं आएगा, ये स्क्रीन पर जब रन कर रहे हैं उस समय वैसा वैसा डिस्प्ले में आ जाएगा। इसके एंड में जो बैक स्लैश एन लिखा है इसका मीनिंग हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग कोई भी सेंटेंस एंड होने का मतलब है वो सेमी कोलन पर एंड होगा, मतलब उसके अंत में एक सेमी कोलन आएगा, और सेमी कोलन का मतलब है कि यहाँ पर उस सेंटेंस का एंड हो गया है, मतलब सी प्रोग्रामिंग का कोई भी सेंटेंस है उसका एंड सेमी कोलन पर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सेम ये बैकस्लैश एन क्या करता है, तो बैकस्लैश एन यहाँ ध्यान रहे ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, ये बैकस्लैश है। तो बैकस्लैश जब भी प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर जो हमने कोटेशन के अंदर लिखा है जिसको हम करेक्टर स्ट्रिंग कहते हैं या लिटरल कहते हैं या मैसेज कहते हैं उसके अंदर यदि बैकस्लैश आता है तो बैकस्लैश वैसा वैसा प्रिंट नहीं होगा, उसका मीनिंग उसके साथ उसके जस्ट आगे लिखे करेक्टर से मिलाकर होगा। बैकस्लैश के आगे एन लिखा है इसका मतलब ये न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है, न्यू लाइन का मतलब है जहाँ कहीं भी हम ये लिख रहे हैं जैसे लर्निंग सी प्रोग्रामिंग डॉट डॉट उसके बाद में बैकस्लैश एन लिख दिया इसका मतलब कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के शुरू में आ जाएगा। जैसे कि एग्जीक्यूशन में हम देख सकते हैं लर्निंग सी प्रोग्रामिंग इसमें वी कैन प्रिंट बैकस्लैश, ये जो नेक्स्ट लाइन आई है उसमें डब्ल्यू एल के नीचे है मतलब लर्निंग सी प्रोग्रामिंग डॉट डॉट उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन के शुरू में आ गया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब बैकस्लैश आता है तो उसका मीनिंग उसके आगे वाले करेक्टर से मिलके होता है। मान लेते हैं हमें बैकस्लैश प्रिंट आउट में चाहिए, हम बैकस्लैश को ही प्रिंट करना चाहते हैं, यदि बैकस्लैश को प्रिंट करना चाहें तो हमें दो बार डबल स्लैश लिखना पड़ेगा, दो बार बैकस्लैश लिखेंगे यदि डबल बैकस्लैश लिखेंगे तो आउटपुट में एक बैकस्लैश प्रिंट में आएगा। उसके बाद में हम देखें कि एस्केप सीक्वेंस जो बैकस्लैश है उसको और क्या काम में ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर एक देखा है कि जो कुछ भी प्रिंट एफ में लिखा है वो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, यदि हम कहीं भी बीच में डबल कोट लगाएंगे तो जो स्ट्रिंग है करेक्टर स्ट्रिंग है उसका एंड हो जाएगा और आगे वाला डबल कोट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यदि हमें डबल कोट प्रिंट आउट में चाहिए तो हम क्या करें, तो हम उसके लिए बैकस्लैश के आगे डबल कोट का साइन लगा देंगे जिससे आउटपुट में हमें वो डबल कोट के रूप में मिल जाएगा। एडिंग टू इंटीजर्स, सी प्रोग्रामिंग में दो नंबर्स को ऐड कैसे करें, यहाँ पर कुछ कमेंट्स लिखे हैं इनको अब एक एग्जांपल से देखते हैं। एक प्रोग्राम है जिसमें स्लैश स्टार से स्टार्ट होता है, स्टार स्लैश पर एंड होता है, जो उसके बीच में एक लाइन लिखी है एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स, ये मल्टी लाइन कमेंट है जिसमें लिख दिया एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स। उसके बाद में हैश इंक्लूड stdio.h जो सी प्रोग्रामिंग की स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड किया। उसके बाद में मेन फंक्शन है इंट मेन और उसके पैरेंथेसिस में वॉइड लिखा है मतलब वो कुछ इनपुट में नहीं ले रहा है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। आगे कमेंट है जो कह रहा है कि फंक्शन मेन बिगन्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। बाद में डिक्लेरेशन है इंटीजर वन और इंटीजर टू का एज ए इंटीजर, तो इंट मतलब इंटीजर है और इंटीजर वन और इंटीजर टू का डिक्लेरेशन हो रहा है। उसके बाद में इंट सम सम का डिक्लेरेशन हो रहा है। कमेंट में आगे लिखा हुआ भी है टू नंबर्स टू बी एंटर्ड बाय यूजर वेरिएबल इन विच सम विल बी स्टोर्ड, मतलब इंटीजर वन और इंटीजर टू दो वेरिएबल हैं वो जब प्रोग्राम रन करने वाला यूजर है वो इनपुट में इनकी वैल्यूज देगा वो उसके रूप में डिक्लेयर किए हैं, और सम है वो इन दोनों के समेशन के रूप में डिक्लेयर किया है। आगे प्रॉम्प्ट
कमेंट में लिखा है, प्रॉम्प्ट मतलब आगे एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है जो प्रॉम्प्ट के रूप में काम में लेगा, काम में आएगा, मतलब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये एंटर फर्स्ट इंटीजर ऐसा प्रिंट कर देगा जिससे यूजर को इंस्ट्रक्शन के रूप में मिल जाएगा। और स्कैन एफ स्टेटमेंट लिखा है जो एक इंटीजर वन को रीड करेगा, मतलब कोई वैल्यू यूजर जब देगा उसको इंटीजर वन में रीड कर लेगा, फिर से प्रॉम्प्ट करेगा, एंटर सेकेंड इंटीजर को रीड कर लेगा, बाद में सम इक्वल टू इंटीजर वन प्लस इंटीजर टू, मतलब इंटीजर वन और इंटीजर वैल्यू की जो वैल्यूज दी हैं उनको ऐड करके सम को असाइन कर लेगा। और प्रिंट एफ सम इज परसेंटेज डी का मतलब यहाँ पर सम की वैल्यू प्रिंट कर लेगा, मतलब यहाँ पर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है उसके अंदर बैक स्लैश या परसेंटेज आने पर उनका मीनिंग अलग हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा प्रिंट करेगा। हमने सारे कमेंट हटा के इस प्रोग्राम को लिख दिया, उसके बाद में इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तब क्या होता है वो लिख दिया। तो इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के कारण पहला सेंटेंस देता है एंटर फर्स्ट इंटीजर, जब उसके बाद में यूजर द्वारा जैसे कोई नंबर हमने 5 दिया है, ऐसे 5 एंटर करते हैं तो वो इंटीजर वन में रीड हो जाता है, उसके बाद में ये प्रॉम्प्ट करता है एंटर सेकेंड इंटीजर, बाद में फिर से हम कोई नया वेरिएबल देते हैं जैसे 6 दिया तो वो इंटीजर 2 में स्टोर हो गया, ये सम करता है, 5 और 6 का समेशन 11 है और ये प्रिंट कर देता है सम इज 11। उसके बाद हम समझते हैं कि जो प्रोग्राम है इसमें इंटीजर वन इंटीजर टू और सम क्या है। तो ये वेरिएबल्स हैं जो मेमोरी लोकेशन में रखी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी वेरिएबल को हम कहीं लिखते हैं तो ये किसी लोकेशन पे किसी वैल्यू को स्टोर करने के, या वहाँ पर जहाँ पर वैल्यू स्टोर किया है उसको पढ़ने का काम आता है। ये वेरिएबल ही उस मेमोरी लोकेशन की पहचान होता है। इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे इंट इंटीजर वन सेमीकोलन, मतलब एक सेंटेंस एक स्टेटमेंट खत्म हो गया, बाद में इंटीजर टू दूसरा स्टेटमेंट खत्म हो गया, बाद में इंट सम, मतलब यहाँ इंडिविजुअली हर वेरिएबल को अलग अलग रो में डिक्लेयर कर सकते हैं। हम सारे वेरिएबल्स को एक ही लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इंट आगे इंटीजर वन इंटीजर टू इंटीजर और सम है, दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए बीच में एक कॉमा से सेपरेट कर दिया गया है। इंटीजर्स की वैल्यू यहाँ पर किसी प्रोग्राम में क्या क्या दे सकते हैं, तो हम इस तरह की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं 6 -20 0 39147 ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग में इंटीजर्स को कई वैल्यूज दे सकते हैं, इनमें एक अपर बाउंड है लेकिन वो यहाँ पर नहीं देखेंगे। यहाँ पर इंटीजर वन इंटीजर टू और सम से पहले INT लिखा है तो एक डेटा टाइप है, सी प्रोग्रामिंग में अदर डेटा टाइप्स फ्लोट करेक्टर शॉर्ट लॉन्ग डबल आदि हैं। इंटीजर वन और इंटीजर टू और सम ये वेरिएबल्स के नाम हैं। सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल नेम कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है। वैलिड आइडेंटिफायर का मतलब समझते हैं, तो जो भी वेरिएबल नेम्स हैं उनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं उनको आइडेंटिफायर कहते हैं। और वैलिड आइडेंटिफायर में हम कोई भी अल्फ़ाबेट है, कोई भी डिजिट है और कोई भी उसके अलावा अंडरस्कोर है। अल्फ़ाबेट डिजिट और अंडरस्कोर, अल्फ़ाबेट मतलब ABCD, अपर केस या लोअर केस मतलब कैपिटल या स्मॉल में कोई भी वो हैं, और अंडरस्कोर उनमें हम वैलिड आइडेंटिफायर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल नेम है उसमें डिजिट मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वेरिएबल नेम के शुरू में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल नेम सम है, इसमें एस शुरू में है, स्टार्टिंग में है, इंटीजर वन में आई स्टार्टिंग में है, इंटीजर टू में आई स्टार्टिंग में है, यहाँ स्टार्टिंग में कोई डिजिट नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा वेरिएबल नेम में कोई भी अल्फ़ाबेट डिजिट और अंडरस्कोर काम में ले सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग है वो केस सेंसिटिव होती है, मतलब यहाँ पर मैंने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसमें सब लेटर्स सब लोअर केस में लिखे हैं, लोअर केस का मतलब छोटे अक्षरों में लिखे हैं, कैपिटल लेटर्स में कुछ भी नहीं लिखा है। कैपिटल सी प्रोग्राम में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को अलग अलग समझा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने इंटीजर की स्पेलिंग INTEGR लिखी है, यहाँ पर यदि मैं इंटीजर में किसी भी एक भी करेक्टर को अपर केस में लिख देता हूँ तो वो अलग वेरिएबल नेम हो जाएगा उसका, वो ये अलग वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। जो भी वेरिएबल्स हैं उसको किसी नाम से पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा,
उसमें उसका डाटा टाइप बताना पड़ेगा, उसे बाद में ही प्रोग्राम में उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम स्कैनएफ में इंटीजर वन को रीड कर रहे हैं, उससे पहले हमने इंटीजर वन को एज ए इंटीजर डिक्लेयर किया है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस जो सॉफ्टवेयर है, जो सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कई लोग काम में लेते हैं, वो उसमें कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो शुरुआत में करने पड़ेंगे। जैसे हमने इंटीजर वन, इंटीजर टू और सम को शुरुआत में डिक्लेयर किया, वहाँ पर ही सारे डिक्लेरेशन करने पड़ेंगे कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। हाँ, जीसीसी जो जीएनयू का जीसीसी है और बाकी कुछ कंपाइलर्स हैं, उनमें ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसा प्रतिबंध नहीं होता है। सी प्रोग्राम में सेंटेक्स, किसी भी मीनिंगफुल सेंटेंस को सेंटेक्स कहते हैं, जो मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग में, ये एक जनरल वर्ड है सेंटेक्स, जो किसी भी प्रोग्रामिंग में एक लिखने का कोई पैटर्न है, कोई सेंटेंस है, उसको सेंटेक्स कहते हैं। और सेंटेक्स एरर उसको कहते हैं जब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। मतलब कई बार जैसे हम कोई किसी भी भाषा में कोई वाक्य बोल रहे हैं और वो वाक्य अधूरा हो, या वो वाक्य किसी क्रम में नहीं लिखा गया हो, या वाक्य में जो शब्द बोले गए हैं वो अशुद्ध हों, तो हम उसका कोई मीनिंग नहीं समझ सकते, उसका कोई अर्थ नहीं समझ सकते। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी यदि कोई वाक्य कंपाइलर को समझ में नहीं आता है, जो प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कंपाइल करता है उसको समझ में नहीं आता है, तो वो एक एरर देता है, एरर मैसेज प्रिंट करता है, जिससे प्रोग्राम लिखने वाले को हेल्प मिल सके, उसको एरर को हटा सके। तो जो भी लैंग्वेज के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करने वाला जो स्टेटमेंट होते हैं उनके लिए एक एरर दिखाता है, उसको हम सेंटेक्स एरर कहते हैं। और सेंटेक्स एरर को कुछ लोग कंपाइलर एरर या कंपाइल टाइम एरर्स भी कहते हैं। तो सेंटेक्स एरर को कंपाइलर एरर और कंपाइल टाइम एरर भी कहा जा सकता है। यहाँ पर स्कैनएफ स्टेटमेंट को देखें तो ये भी दोनों स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, जैसे कि प्रिंटएफ है या स्कैनएफ है, वो रीडिंग का इनपुट का काम करता है। ये स्टैंडर्ड इनपुट लेने का तरीका है, जिसको कीबोर्ड जब रन करते हैं उसमें कीबोर्ड से दिया जाता है, उस वैल्यू को ये रीड करता है। स्कैनएफ के अंदर परसेंटेज डी रिप्रेजेंट करता है डेसिमल इंटीजर्स को। डेसिमल इंटीजर्स मतलब दशमलव पूर्णांक संख्याएं, मतलब जिनका बेस, जिनका आधार 10 होता है, मतलब 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद में 10 आ जाता है। सभी नंबर्स में इस तरह का नहीं होता, ये दशमलव पद्धति में होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज डी। और इंटीजर वन रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद परसेंटेज डी पर जो फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग है उसमें हमने लिखा है परसेंटेज डी, मतलब ये एक इंटीजर, डेसिमल इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में हमने कोमा लगाई है, कोमा के बाद में हमने एम परसेंट लिखा है, एम परसेंट रिप्रेजेंट करता है एड्रेस को, मतलब जो वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद में हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो एम परसेंट और उसके बाद में वेरिएबल नेम, ये मिलकर स्कैनएफ में उस मेमोरी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होनी है। और स्कैनएफ में जब एग्जीक्यूशन टाइम हम कोई वैल्यू देंगे तो स्कैनएफ है उस वैल्यू को रीड करेगा, उस मेमोरी लोकेशन पर उसकी वैल्यू लिख देगा। जो भी कैलकुलेशन होती हैं वो असाइनमेंट स्टेटमेंट में परफॉर्म होती हैं, मोस्टली असाइनमेंट स्टेटमेंट में प्रोसेस होती हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब है इक्वल का साइन, इक्वल का जो साइन है उसका मतलब है लेफ्ट राइट साइड में जो लिखा है, दाएं हाथ की तरफ जो कुछ भी लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड में लिखे वेरिएबल, बाएं हाथ की तरफ लिखे वेरिएबल में वो उनकी वैल्यूज को स्टोर कर देता है, ये होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब वहाँ पर एक इक्वल का साइन, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। इक्वल और प्लस मतलब किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ना या किसी वैल्यू को दूसरे वेरिएबल को असाइन करना, ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन हैं। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है एक कोई भी ऑपरेशन जिनके दो तरफ दो एलिमेंट लिखे होते हैं और उन दोनों एलिमेंट्स का पर वो ऑपरेट होके हमें कुछ भी तीसरा आउटपुट देता है, उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। एडिशन जो है जो जोड़ना है
वो दो संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं, दो से कम संख्याओं को हमें हम नहीं जोड़ सकते। एक प्लस साइन लिखा है तो उसकी तरफ दोनों तरफ हमें दो संख्याएं लिखेंगे, इसका मतलब वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, दो संख्याओं पर वो ऑपरेट होने वाला ऑपरेशन है। इसी तरह से इक्वल साइन जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, वो भी उसके भी लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ हमें कुछ वेरिएबल नेम लिखने होते हैं। जो राइट साइड में लिखा है वो लेफ्ट साइड वाले को असाइन कर देता है, मतलब ये भी दो पर ऑपरेट होता है, इसलिए ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। प्रिंटएफ स्टेटमेंट जो लास्ट में लिखा है उसमें पहली फॉर्मेट स्ट्रिंग में हमने परसेंटेज डी लिखा है, परसेंटेज डी का मतलब यहाँ पर एक डेसिमल इंटीजर इनपुट में आएगा, और कौन सा वेरिएबल आएगा वो जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, मतलब ये कंट्रोल स्ट्रिंग जहाँ एंड खत्म होती है उसके बाद में कोई हमने आइडेंटिफायर लिखा है उस आइडेंटिफायर की वैल्यू वहाँ पर आएगी। मेमोरी कॉन्सेप्ट, मेमोरी की अवधारणा क्या है? तो किसी भी कंप्यूटर में जैसे यहाँ पर तीन स्टेटमेंट लिखे, वेरिएबल नेम्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू लोकेशन इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, एवरी वेरिएबल हैज ए नेम ए टाइप एंड ए वैल्यू। कोई उसी प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल है वो किसी नाम से हम लिखते हैं और वो कंप्यूटर में किसी मेमोरी स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, किसी लोकेशन पे मेमोरी क्या को रिप्रेजेंट करता है, उसको दर्शाता है। कोई भी वेरिएबल नेम है उसमें तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, उसका नाम, मतलब कोई भी वेरिएबल है उसका एक कोई नाम होगा, नेम होगा, उसके बाद में वो टाइप, जैसे हमने अब तक हम देखते हैं जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, वो उसका टाइप वो किस तरह का है, और एक वैल्यू, वैल्यू मतलब उस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू चाहे हमने इन स्कैनफ के थ्रू दी हो या असाइन की हो वो वैल्यू। वेन एवर ए वैल्यू इज प्लेस्ड इन ए मेमोरी लोकेशन द वैल्यू रिप्लेसेज द प्रीवियस वैल्यू इन दैट लोकेशन, दस प्लेसिंग ए न्यू वैल्यू इन टू ए मेमोरी लोकेशन इज सेड टू बी डिस्ट्रक्टिव। मतलब कोई भी वेरिएबल है उसकी कोई पुरानी वैल्यू है, वेरिएबल है कोई भी रैंडम नंबर उसका पुरानी वैल्यू हो सकती है, उसमें यदि हम कोई दूसरा वेरिएबल उसको असाइन कर दें या उसको उस वेरिएबल को यदि हम रीड करते हैं तो वहाँ पर वो पुरानी वैल्यू को मिटाकर नई वैल्यू वहाँ पर लिख लेता है, इसको हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं कि मेमोरी में वहाँ पुरानी वैल्यू खत्म हो चुकी है। और हम मेमोरी लोकेशन से यदि उस वैल्यू को रीड करते हैं तो इस प्रोसेस को नॉन डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट वैल्यू को रीड कर रहे हैं। हम कुछ उदाहरण लिखते हैं, जैसे हमने स्कैन एफ और उसके अंदर परसेंटेज डी लिखा, मतलब परसेंटेज डी का मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल रीड करेगा और आगे इंटीजर वन लिख दिया, तो इंटीजर वन की जो पुरानी वैल्यू है हम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इंटीजर वन की जो भी पुरानी वैल्यू है उसको डिलीट कर देगा और वहाँ पर नई वैल्यू स्टोर कर देगा, तो इंटीजर वन नाम के वेरिएबल की कोई वैल्यू हो जाएगी, उसको कोई वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा स्कैनएफ स्टेटमेंट है, उसमें फिर से हमने परसेंटेज डी लिखा है और यहाँ एक इंटीजर टू नाम का वेरिएबल इनपुट में लिया है, मतलब यहाँ पर हम कोई वेरिएबल देंगे वो रीड करेगा तो इंटीजर टू की वैल्यू को डिस्टोर कर देगा। इस तरह सम इक्वल टू आई इंटीजर वन प्लस इंटीजर टू प्रिंट एफ लिखे हमने। तो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट, जैसे पहला स्कैन एफ लिखा हमने, दूसरा स्कैन एफ लिखा, ये इंटीजर वन और इंटीजर टू के लिए कॉरेस्पॉन्डिंगली ये डिस्ट्रक्टिव हैं, मतलब इनकी पुरानी वैल्यू को ये मिटा देंगे और जो भी रन करते समय हम इनपुट में देंगे वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, तो ये डिस्ट्रक्टिव है। इसी तरह से सम इक्वल टू इंटीजर वन प्लस इंटीजर टू कर दिया, मतलब इंटीजर वन और इंटीजर टू की वैल्यू ऐड होके सम को असाइन हो जाएगी, यहाँ पर सम की जो पुरानी वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी और नई वैल्यू सम की वहाँ स्टोर हो जाएगी, इसलिए सम के लिए ये असाइनमेंट है वो डिस्ट्रक्टिव है। यहाँ पर इस तरह से ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो डिस्ट्रक्टिव स्टेट, मतलब इन वैल्यूज़ के लिए डिस्ट्रक्टिव हैं। और बाद में हम देखें सम इक्वल टू इंटीजर वन प्लस इंटीजर टू, ये ऑपरेशन करने में इंटीजर वन और इंटीजर टू की वैल्यू सिर्फ रीड की जाती है, उस वैल्यू को में कोई चेंज नहीं किया जाता। इस ये तरह से जब प्रिंट कर रहे हैं तो सम की वैल्यू रीड की गई है और उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, इसका मतलब ये इंटीजर वन प्लस इंटीजर टू का जो ऑपरेशन है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव है। इसी तरह से सम जो प्रिंट करने का स्टेटमेंट है वो ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव है। अरिथमेटिक इन सी, सी प्रोग्रामिंग में जोड़ बाकी गुणा भाग सिंपली कहें तो इसके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको अब हम एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले हम देखें सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो जैसे एडिशन है, जोड़ना है,
इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है प्लस, सी प्रोग्रामिंग में प्लस से डिनोट करते हैं इसको। इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ए प्लस फाइव, मतलब हमें कहीं भी लिखना है तो हम ए प्लस फाइव लिखेंगे, इसका मतलब ए में पाँच जोड़ रहे हैं। सी में इसको भी, सी प्रोग्रामिंग में भी इसको ए प्लस फाइव ही लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन घटाना, घटाने के लिए माइनस का साइन यूज होता है सी प्रोग्रामिंग में, और इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ए माइनस बी, मतलब हम कहीं भी एक संख्या में से दूसरी संख्या जैसे ए में से बी घटाते हैं तो हम ए माइनस बी लिखते हैं। सी में भी इसको ए माइनस बी ही लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन, इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन है स्टार, मतलब सी प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन को स्टार से डिनोट करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसका ए बी, जैसे ए और बी दो वेरिएबल हैं तो हम साधारणतया उनके मल्टीप्लिकेशन को ए बी से लिख देते हैं, और कई जगह ए क्रॉस बी से भी लिखते हैं, क्रॉस साइन होता है उससे मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है, तो ए क्रॉस बी भी लिख देते हैं। अब हम इसको देखें तो सी प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे, तो सी प्रोग्रामिंग में इसको ए स्टार बी से लिखेंगे। इसी तरह से डिवीजन, सी प्रोग्रामिंग इसके लिए ऑपरेटर है स्लेस, फॉरवर्ड स्लेस। यदि नॉर्मल भाषा में बात की जाए नॉर्मल, तो हम इसको ए स्लेस बी से भी लिखते हैं, ए और बी उनके बीच में एक ओरिजेंटल लाइन, उसको ऊपर नीचे लिखते हैं और बीच में एक ओरिजेंटल लाइन बना देते हैं, या एक डिवाइड का साइन होता है जिसमें एक ओरिजेंटल लाइन होती है और उसके ऊपर और नीचे डॉट बनाए होते हैं, उससे भी ए जो डिवाइड का साइन है वो और बी, इस तरह से हम डिवाइड को लिखते हैं, डिवीजन को लिखते हैं। सी प्रोग्रामिंग में इसका एक्सप्रेशन है ए स्लेस बी, मतलब ए स्लेस बी का मतलब ए में बी का भाग दे रहे हैं, ए से बी को डिवाइड कर रहे हैं। रिमाइंडर, भागफल। अरिथमेटिक ऑपरेशन है परसेंटेज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ए मॉड बी, मतलब हम किसी एक इंटीजर में दूसरे का भाग दे रहे हैं तो जो शेष फल आता है उसको नॉर्मल एल्जेब्रा में हम ए मॉड बी लिखते हैं, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में इसको ए परसेंटेज बी लिखते हैं, मतलब ए में बी का भाग देने पर शेषफल क्या बचता है वो ए परसेंटेज बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में हम देखें एक एग्जांपल, तो एक एग्जांपल लिया है जिसमें ए और बी दो वेरिएबल हैं, बाद में एक प्रॉम्प्ट किया है एंटर टू इंटीजर्स विद स्पेस, कि दो इंटीजर स्पेस के साथ दिए जाएँ। उसके बाद में एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा है, उसमें दो बार परसेंटेज डी लिखा है, मतलब दो वैलिड आइडेंटिफायर्स यहाँ रीड किए जाएंगे, जो पहला वेरिएबल होगा वो ए में रीड होगा, दूसरा बी में रीड होगा। उसके बाद में कुछ प्रिंट टाइप स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें पहले प्रिंट टाइप में ए प्लस बी प्रिंट किया, दूसरे में ए माइनस बी, तीसरे में ए स्टार बी, चौथे में ए स्लेस बी, और पांचवे में ए परसेंटेज बी। यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके देखा गया तो हमने दो वैल्यूज दी 20 और 7, तो ए की वैल्यू 20 हो गई, बी की वैल्यू 7। जब एडिशन जहाँ प्रिंट कर रहे हैं वहाँ 27 प्रिंट हो रहा है, सब्ट्रैक्शन 13 प्रिंट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन 146 प्रिंट हो रहा है, डिवाइड 2 प्रिंट हो रहा है, और 20 में 7 का भाग दें तो दो बार भाग जाता है और 6 से इस पल बच जाता है, तो रिमाइंडर के रूप में 6 प्रिंट हो गया है। एल्जेब्रा, इन एल्जेब्रा इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई ए टाइम्स बी, वी कैन सिंपली प्लेस दीज सिंगल लेटर्स वेरिएबल नेम्स साइड बाई साइड एज ए बी। And see however, if we were to do this, AB would be interpreted as a single two letter name or identifier. तो होता क्या है, हम प्रोग्रामिंग में सब कुछ एक ही लाइन में लिखते हैं, तो जब नॉर्मली हम ए बी लिखते हैं इसका मतलब वेरिएबल ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में यदि ए बी लिखेंगे तो ए बी अपने आप में एक आइडेंटिफायर हो जाएगा, मतलब किसी वेरिएबल का नाम हो जाएगा, मतलब वेरिएबल का पूरा नाम ए बी है। जैसे ए अकेला नाम था, इंटीजर में हमने इतने करेक्टर लिखते हैं INTGR1, उसी तरह जब वेरिएबल नेम ए बी हो सकता है, ए बी का मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं है सी प्रोग्रामिंग में, इसलिए हमें जब सी प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम इसको एक स्टार ऑपरेटर से दिखाएंगे, मतलब ए और बी के बीच में स्टार लगाएंगे, इसका मतलब होगा ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है। सामान्यतः हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार काम में लिया जाता है, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में एक स्टार लगाकर ही उसको लिखा जाता है। उसके बाद में डिवाइड, तो ए डिवाइडेड बाय बी, एक में बी का भाग देने पर। सी प्रोग्राम नॉर्मल में हम जब लिखते हैं तो ए स्लेस बी लिखते हैं, या कुछ लोग ए को ऊपर बी को नीचे और बीच में एक ओरिजिनल लाइन बना देते हैं, या ए बाद में डिवाइड का साइन बाद में बी लिखते हैं।
यहाँ पर हम लाइन में लिखेंगे, एक ही लाइन में लिखेंगे सब कुछ, तो ए डिवाइड बी एक लाइन में लिखेंगे तो हम ओरिजेंटल वाला पैटर्न नहीं अपना सकते, हम डिवाइड का साइन कीबोर्ड पे नहीं रखते हैं, तो यहाँ सी प्रोग्रामिंग में डिवाइड के लिए ए फॉरवर्ड स्लैश बी लिखा जाता है। ए फॉरवर्ड स्लैश बी का मतलब है ए को बी से डिवाइड किया जाता जा रहा है, ए में बी का भाग दिया जा रहा है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें पांच इंटीजर्स डिक्लेयर किए हैं, ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर एंड आर। इसी तरह से बाद में एक प्रॉम्प्ट किया है, एंटर फोर इंटीजर्स विद स्पेस, मतलब चार इंटीजर स्पेस के साथ दें। और उसके बाद में स्कैनफ स्टेटमेंट है जिसमें चार बार परसेंटेज डी लिखा, मतलब चार आइडेंटिफायर्स की वैल्यू ये रीड करेगा। जो आइडेंटिफायर की वैल्यू रीड करेगा वो पहली वैल्यू ए वन की होगी, दूसरी ए टू की, तीसरी ए थ्री की, चौथी वैल्यू ए फोर की। उसके बाद में एक असाइनमेंट ओपन किया है, ए आर वन आर इक्वल टू पैरेंथिसिस में लिखा है ए वन प्लस ए टू, बाद में स्टार है, बाद में पैरेंथिसिस में लिखा है ए थ्री प्लस ए फोर। मतलब ए वन और ए टू जो है उनकी वैल्यू को ऐड करो, ए थ्री और ए फोर की वैल्यू को ऐड करो, बाद में जो वैल्यू जाते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, बाद में आर की वैल्यू प्रिंट कर दो। हमने एग्जीक्यूट किया, इनपुट में वैल्यू दी 2356 और आउटपुट हमें मिला 55। तो यहाँ पेरेंथिसिस क्या काम आता है? तो पेरेंथिसिस सी प्रोग्रामिंग में किसी भी एक्सप्रेशन में उसी तरह से काम आता है जैसे नॉर्मल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है। जैसे हम कोई अल्फाबेटिक कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हम सबसे पहले पेरेंथिसिस को सोल्व करेंगे, उसके बाद में उसके बाहर के ऑपरेशंस को सोल्व करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में जैसे मुझे पहले ये एडिशन करना है, नॉर्मली एडिशन बाद में होता है लेकिन पहले हम उनको ऐड करना, बाद में मल्टीप्लाई करना है, तो उसको पहले हम पेरेंथिसिस में डाल देंगे। एक और एग्जांपल, इस बार छह वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए और फिर उनमें से पांच को रीड कर रहा हूँ और एक एक्सप्रेशन है और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ए वन माइनस ए टू स्टार ए थ्री स्लेस ए फोर प्लस ए फाइव, तो और उसका आउटपुट प्रिंट कर रहा हूँ। इसका एग्जीक्यूशन में क्या होता है वो भी प्रिंट कर दिया है, तो यहाँ ये प्रिंट करेगा एंटर फाइव इंटीजर्स विद स्पेस, और मैंने यहाँ पर 5 9 5 3 20 ये वैल्यूज दे दी, इसका आउटपुट 10 आया। तो सी प्रोग्राम सी इवोल्यूट्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन द प्रिसाइज सीक्वेंस डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग रूल ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस विच आर जनरली द सेम एज दोज फॉलोड इन एलजेब्रा। जो एलजेब्रा में नॉर्मल एलजेब्रा बीजगणित में जो हम नियम फॉलो करते हैं वो ही यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में काम में लेते हैं। और एलजेब्रा में जैसे हम डिवाइड को स्टार और मल्टीप्लिकेशन को पहले करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में पहले डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये रूल क्या है वो हम देखें, तो उसमें आता है कि सबसे पहले हम गुणा भाग और रिमाइंडर शेषफल इनको वरीयता देते हैं। ये वरीयता क्रम में सबसे ऊपर होते हैं, मतलब हमें किसी भी एक्सप्रेशन में गुणा भाग या रिमाइंडर मतलब परसेंटेज मतलब शेषफल मिलता है तो सबसे पहले हम उनको पूरा करेंगे। जैसे अपने एक्सप्रेशन में ए टू और ए थ्री के बीच में गुणा है, ए थ्री और ए फोर के बीच में डिवाइड है, तो सबसे पहले हम इनको सोल्व करेंगे। जैसे ए वन और ए टू के बीच में माइनस साइन है या ए फोर और ए फाइव के बीच में प्लस साइन है, पहले उनको सोल्व नहीं करेंगे, पहले ए टू और ए थ्री के बीच में क्या है उसको सोल्व करेंगे। यदि किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दोनों साथ में आ गए तो उनमें पहले किसको करें? तो यहाँ जैसे हमने एक्सप्रेशन लिखा है ए वन माइनस ए टू प्लस स्टार ए थ्री स्लेस ए फोर प्लस ए फाइव, तो ए टू और ए थ्री के बीच में स्टार आया है, ए थ्री और ए फोर के बीच में स्लेस आया है, तो ये साथ में आ गए, इनमें पहले किसको करें? क्योंकि दोनों की वरीयता सेम है, दोनों सेम वरीयता रखते हैं, दोनों को ही शुरू मतलब पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर अपने लेफ्ट टू राइट का रूल लगाएंगे, जो लेफ्ट में है जो बाएं हाथ की तरफ है उसको पहले सॉल्व करेंगे, दाएं हाथ वालों को बाद में, मतलब ए टू स्टार ए थ्री इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में ए फोर का भाग देंगे। मल्टीप्लिकेशन जो गुणा है और डिवीजन जो भाग है और रिमाइंडर शेषफल है, ये सेम लेवल की प्रेसिडेंस रखते हैं, मतलब सेम समान स्तर की वरीयता रखते हैं, मतलब इनको एक ही क्रम में हल किया जाता है, इनको सबसे पहले मतलब औरों से पहले हल किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमने जैसे ए टू स्टार ए थ्री लिखा है इसको सबसे पहले करेंगे और उसका जो आउटपुट होगा उनको दोनों को गुणा करने पर जो आएगा उसको हम ए फोर से डिवाइड करेंगे, मतलब उसमें ए फोर का भाग दे देंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल जो लिया था 5 माइनस 9 स्टार 5 अपॉन 3 प्लस 20, तो
इसमें पहले 9 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी जगह 45 हो जाएगा और एक्सप्रेशन बन जाएगा 5 माइनस 45 अपॉन 3 प्लस 20। उसके बाद में डिवाइड होगा तो 5 45 माइनस अपॉन 3 15 और 20 अपनी जगह, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 5 माइनस 15 प्लस 20। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उनको बाद में एवेल्यूट किया जाता है, उनकी गणना बाद में की जाती है। जैसे मल्टीप्लाई, गुणा, भाग और शेषफल की गणना हो चुकी है, उसके बाद में जोड़ बाकी किए जाते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन में यदि एक से ज़्यादा जोड़ और बाकी मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन हैं तो उनको समान वरीयता दी जाती है। उनको समान वरीयता होने के कारण यदि एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो उन्हें लेफ्ट साइड से राइट साइड में सॉल्व किया जाता है। मतलब जो लेफ्ट मोस्ट एडिशन है सब्ट्रैक्शन है उसको सबसे पहले और राइट मोस्ट है उसको सबके बाद में किया जाता है। जोड़ और बाकी है, एडिशन और सब्ट्रैक्ट जो हैं उनकी वरीयता गुणा, भाग और शेषफल से कम होती है। मतलब पहले गुणा, भाग और से स्पल वाला काम किया जाता है, उसके बाद में जोड़ और बाकी मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नंबर आता है। तो जैसे हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था उसमें हम 5 माइनस 15 प्लस 20 पर पहुँच गए, उसके बाद क्या किया जाएगा, तो उसके बाद पहले 5 और 5 माइनस 15 का एग्जीक्यूट किया जाता जाएगा, क्योंकि अब अपने पास सब्ट्रैक्शन और प्लस एडिशन ये दो ही ऑपरेशन बचे हैं। तो इनमें पहले कौन सा किया जाए, तो इनमें पहले लेफ्ट टू राइट का रूल लगेगा। लेफ्ट मतलब लेफ्ट में 5 माइनस 15 है तो पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी -10। तो जो बाद में ये एक्सप्रेशन बन जाएगा -10 प्लस 20, तो अब -10 प्लस 20 जो है उसका रिजल्ट लिख दिया जाएगा जो कि 10 है। द रूल्स ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस स्पेसिफाई द ऑर्डर सी यूजेस टू इवैल्यूएट एक्सप्रेशंस। द एसोसिएटिविटी of the operators specifies whether they evolute from left to right or from right to left. इसी प्रोग्रामिंग में जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो किसी भी एक्सप्रेशन को जो लंबा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें गणना के लिए काम में लिया जाता है, और जैसे हमने लिखा उस तरह से ये एक रूल को फॉलो करते हैं। आगे टेबल में एक इसको फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहली वरीयता दी जाती है पेरेंथीसिस को, जो छोटा कोष्ठक है उसके अंदर लिखा है उसको। तो छोटे कोष्ठक के अंदर जो लिखा है वो सबसे पहले उसकी गणना होगी, उसको कैलकुलेट करेगा, उसके बाद में नंबर आएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर का, उनका सेकेंड नंबर आता है पेरेंथीसिस के बाद में। उनमें जो लिखा है उसको इवैल्यूएट किया जाता है, उसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नंबर आता है, और ये सारे ऑपरेशन हो जाने के बाद इक्वालिटी का नंबर आता है। मतलब असाइनमेंट का जो यहाँ से एवोल्यूट हुआ है वो किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है। डिसीजन मेकिंग, इक्वालिटी एंड रिलेशन ऑपरेटर्स, मतलब हमें सी प्रोग्रामिंग में कोई डिसीजन लेना है, मतलब कुछ कोई ऑपरेटर कोई कंपेरिजन करनी है, कुछ रिलेशन देखना है, तो वो कैसे देखें, इसके लिए कुछ नियम है। नियमों को एक एक करके एग्जांपल सहित समझा देते हैं। तो एक सी इसमें पहले इक्वलिटी बताई जाती है। तो एलजेब्रिक इनइक्वलिटी और रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है, तो जैसे पहले हम इक्वलिटी ऑपरेटर्स की बात कर लें। इक्वलिटी मतलब कोई दो नंबर हैं या दो वेरिएबल हैं या दो वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, तो इसके लिए एलजेब्रिक इक्वलिटी होती है इक्वल का साइन, बराबर का साइन, बराबर का चिन्ह जो होता है उसे हम बताते हैं ए है और बी बराबर हैं या नहीं है। सी प्रोग्रामिंग में इसके इक्विवेलेंट डबल इक्वल, मतलब इक्वल का साइन दो बार लिखेंगे, बराबर का जो चिन्ह है उसको दो बार लिखेंगे, ये इक्वलिटी रिलेशन ऑपरेटर को डिनोट करेगा। एग्जांपल सी प्रोग्रामिंग में उसका है एक्स डबल इक्वल वाई, इस तरह से लिखेंगे, एक्स और वाई लिखेंगे, उनके बीच में इक्वल का साइन दो बार लगा देंगे और इसको पढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग होगा एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स है वो वाई के बराबर है। नॉट इक्वल, नॉर्मल एलजेब्रा में, नॉर्मल बीजगणित में, सामान्य बीजगणित में इक्वल का साइन है उसको एक तिरछी रेखा से काट दिया जाता है,
जो नॉट इक्वल कहा जाता है सी प्रोग्रामिंग में, इसके लिए एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल, विस्मयबोधक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह और उसके बाद में बराबर का चिन्ह, इस तरह से लिखा जाता है। यदि एग्जाम्पल के रूप में देखता हूँ, एक्स एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल वाई, और इसको पढ़ा जाता है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, मतलब यदि एक्स वाई के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब रिलेशन ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब है कोई किसी से बड़ा या छोटा हो या उस तरह का, तो इसमें चार हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। सी प्रोग्राम में ग्रेटर देन को ग्रेटर देन से लिखते हैं, लेस देन को लेस देन से लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू को ग्रेटर देन और उसके बाद में इक्वल का साइन, लेस देन और इक्वल टू को लेस देन और उसके बाद में इक्वल का साइन, इनसे लिखा जाता है। सी प्रोग्रामिंग में उदाहरण के लिए ग्रेटर देन का उदाहरण एक्स लेस देन वाई है, जिसका मीनिंग एक्स इज ग्रेटर देन का उदाहरण एक्स ग्रेटर देन, मतलब जो राइट एंगल ब्रेसेस है वो और वाई है और उसको एक्स ग्रेटर देन वाई पढ़ा जाता है। इसी तरह से लेस देन के लिए एक्स लेस देन वाई है और उसको मतलब एक्स राइट एंगल ब्रेस और लेफ्ट एक्स के बाद में लेफ्ट एंगल ब्रेस और उसके बाद में वाई लिख दिया जाता है, इसको एक्स लेस देन वाई पढ़ा जाता है। जो ग्रेटर देन इक्वल टू का है उसके एग्जांपल के तौर पे एक्स ग्रेटर देन और उसके बाद में इक्वल का साइन और उसके बाद में वाई लिख दिया जाता है और इसको पढ़ा जाता है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। लेस देन इक्वल टू के, लेस देन इक्वल टू के लिए एग्जांपल एक्स बाद में लेस देन का साइन और उसके बाद में इक्वल का साइन, लेस देन का साइन मतलब लेफ्ट एंगल ब्रेस और इक्वल का साइन, जो पढ़ा जाता है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू। इस तरह से कंपैरिजन के ये छह तरीके हैं, इन छह तरीकों से सी प्रोग्राम में एक दूसरे नंबर को कंपेयर किया जाता है। इसके अलावा हम इनके कई और भी कॉम्बिनेशन लेते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो और कॉम्बिनेशंस जब लेते हैं तो उनमें हम एंड और को काम में लेते हैं, मतलब कंपैरिजन तो ये छह ही तरह की होंगी लेकिन दो कंपैरिजन को एक साथ लिखना है तो हम एक्स लेस देन इक्वल और लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड इस तरह से नहीं लिखेंगे, एक्स लेस देन वाई बाद में एंड या और जो भी जो हम आगे देखेंगे उनको लगाएंगे और उसके बाद में एक्स लेस देन वाई जेड या वाई लेस देन जेड उस जो भी हो वो लिखेंगे, उसके उदाहरण आगे देखेंगे। यहाँ पर हम इसका एक उदाहरण देखते हैं, एक प्रोग्राम लिखा है इसको जिसमें दो इंटीजर्स डिक्लेयर किए हैं नम वन और नम टू नाम से, एन यू एम वन एन यू एम टू, और उनको बाद में एक प्रॉम्प्ट दिया है एंटर टू इंटीजर्स, दोनों को रीड किया गया है और दोनों की कंपैरिजन की जा रही है। इफ़ के अंदर लिखा है नम वन डबल इक्वल नम टू, यदि ये सही है तो प्रिंट करना चाहिए नम वन की वैल्यू इज इक्वल टू नम टू की वैल्यू, यदि सेकेंड कंपेरिजन नम वन इज नॉट इक्वल टू नम टू, मतलब नम वन एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल नम टू, यदि ये फुलफिल होता है तो ये प्रिंट करेगा नम जो पहला नंबर है वो इज नॉट इक्वल टू और दूसरा नंबर। इस तरह से छहों कंपेरिजन का एक प्रोग्राम लिखा है जो जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इफ नम वन इज डबल इक्वल नम टू तो प्रिंट एप में लिखा है परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, परसेंट पहले आइडेंटिफाइड नम वन है दूसरा नम टू। इफ एन नम वन एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल टू नम टू तो प्रिंट किया है परसेंटेज डी इज नॉट इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पर भी पहला आइडेंटिफाइड नम वन दूसरा नम टू। तीसरे कंपेरिजन है नम वन ग्रेटर देन नम टू, प्रिंट किया नम परसेंटेज डी इज ग्रेटर देन परसेंटेज डी, पहला आइडेंटिफाइड नम वन दूसरा नम टू। तीसरी कंपैरिजन नम वन लेस देन नम टू, प्रिंट किया परसेंटेज डी इज लेस देन परसेंटेज डी, पहला आइडेंटिफाइड नम वन दूसरा नम टू। तीस नेक्स्ट कंपैरिजन नम वन ग्रेटर देन इक्वल टू नम टू, प्रिंट किया परसेंटेज डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू परसेंटेज डी, आइडेंटिफाइड नम वन एंड नम टू। अगली कंपैरिजन है नम वन लेस देन इक्वल टू नम टू, प्रिंट किया परसेंटेज डी इज लेस देन और इक्वल टू परसेंटेज डी, आइडेंटिफाई नम वन और नम टू। प्रोग्राम को थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं
जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये प्रॉम्प्ट करेगा एंटर टू इंटीजर्स, जहाँ पर हमने दो इंटीजर दे दिए टू और थ्री, टू इज़ नॉट इक्वल टू, तो टू और थ्री दिए तो ये प्रिंट करता है टू इज़ नॉट इक्वल टू थ्री। क्यों? क्योंकि टू है वो दो से छोटा है, तो ऑब्वियसली नॉट इक्वल है, वो उसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन, जो छह कंडीशंस थी उनमें से तीन सेटिस्फाई होंगी, कोई भी वैल्यू दें उसके लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। टू और थ्री है उसके लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, उन्हीं तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग ये प्रिंट कर रहा है। दो है वो तीन के बराबर नहीं है, दो तीन से छोटा है और दो तीन से छोटा और बराबर है, मतलब यहाँ पर टू इज़ नॉट इक्वल टू थ्री, टू इज़ लेस देन थ्री, टू इज़ लेस देन और इक्वल टू थ्री। दूसरी वैल्यू देते हैं थ्री और टू दे देते हैं, जब थ्री और टू देते हैं तो पहला नंबर बड़ा है दूसरा छोटा है, फिर से एक कंडीशन तो थ्री इज़ नॉट इक्वल टू टू सेटिस्फाई हुई, दूसरी कंडीशन थ्री इज़ नॉट इक्वल टू टू सेटिस्फाई हुई पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन थ्री इज़ ग्रेटर देन टू सेटिस्फाई हुई, जैसे पिछली बार टू इज़ लेस देन थ्री सेटिस्फाई हुई थी वैसे ही इस बार थ्री इज़ ग्रेटर देन टू सेटिस्फाई हुई, वैसे ही तीसरी कंडीशन थ्री इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू टू सेटिस्फाई होगी। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है जिसमें हमने दोनों नंबर इक्वल दे दिए, जैसे टू एंड टू दे दिया, तो टू और टू दे दिया तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, टू इज़ इक्वल टू टू, दो दो के बराबर है, टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, और टू इज़ लेस देन इक्वल टू टू। अब हम इनको समझते हैं, तो एग्जीक्यूटेबल सी स्टेटमेंट्स आइदर परफॉर्म एक्शन और मेक्स डिसीजंस। तो सी प्रोग्रामिंग में जो भी हम कुछ लिखते हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, वो कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वो या तो कोई एक्शन करेगा, कमेंट्स के अलावा जो कुछ लिख रहे हैं वो या तो कोई एक्शन करेगा या कोई डिसीजन लेगा। एक्शन में प्रिंटिंग आ सकता है, एक्शन में स्कैनिंग आ सकता है, कुछ रीड कर रहे हैं वो आ सकता है, एक्शन में कुछ आउटपुट में आ रहा है वो आ सकता है, या एक्शन में कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो आ सकता है, एक्शन में डिक्लेरेशन भी आ जाता है। डिसीजन में जो भी हम इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, जो छह तरह के डिसीजंस हैं वो आते हैं, यदि वो यस कहेगा तो एक्सप्रेशन के अंदर लिखा है वो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो इसको हम देखते हैं, तो कैलकुलेशन और इनपुट और आउटपुट ऑफ डाटा है वो एक्शन के रूप में कहा जाता है, गणनाएं आंकड़े पढ़ना और आंकड़े लिखना ये एक्शन है। डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स, जो डिसीजन होगा वो हाँ या ना पर होगा, मतलब जो हमने कंपैरिजन किया है वो यस कह रहा है या नो कह रहा है उसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है। सीज इफ स्टेटमेंट अलाउज ए प्रोग्राम टू मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन द ट्रूथ और फॉल्सी ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कॉल्ड कंडीशन। तो जो हमने लिखा है वो सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य है, इस फैक्ट को हम कंडीशन कहते हैं, और सी प्रोग्राम इसी पर आधारित डिसीजन लेता है कि वो सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है। यदि कंडीशन मिल जाती है, जैसे हमने कुछ इनपुट और आउटपुट लेकर देखे कि यदि कंडीशन मिल जाती है, जैसे num1 इक्वल टू num2, जैसे num1 डबल इक्वल num2 लिखा है, तो ये कंडीशन यदि हमने दोनों को 2-2 लिखा था उसमें ये कंडीशन मैच हो जाती है तो ये इसको ट्रू कह देता है। और जो इसकी बॉडी में जो ब्लॉक आगे लिखा है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड के बीच में जो कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरह से जैसे एक स्टेटमेंट, एक इफ, एक डिसीजन हो गया वो चाहे एग्जीक्यूट हुआ चाहे नहीं हुआ, उसके बाद में एग्जीक्यूट हुआ है तो एग्जीक्यूट होने के बाद उसके नीचे वाला काम है वो परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो सीधा नीचे जो लिखा है वो काम परफॉर्म होगा। जैसे यहाँ पर हमने हर इफ के स्टेटमेंट का एंड होने के बाद दूसरा इफ स्टेटमेंट लिखा है, तो पहला यस कहता है या नो कहता है उस पर दूसरे का डिसीजन नहीं होगा, दूसरे का डिसीजन फिर से लेगा। इसके अलावा इफ स्टेटमेंट में जो भी कंडीशन होती हैं वो इक्वलिटी ऑपरेटर या रिलेशन ऑपरेटर से ही बनाई जाती है, मतलब हमने जो दो इक्वलिटी ऑपरेटर इक्वल है या नहीं है
वो लिखे थे, और चार रिलेशन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिखे थे, उनसे ही सारी कंडीशंस बनेंगी। इसके अलावा जो रिलेशन ऑपरेटर्स हैं इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, वो दोनों का लेवल सेम होता है, दोनों की वरीयता समान होती है। यदि दोनों लिखे हैं तो दोनों बराबर वरीयता रखते हैं, और उनको हम लेफ्ट टू राइट, पहले बाएं वाला बाद में दाएं वाला हल करेंगे। इसी तरह से इक्वलिटी ऑपरेटर जो है, जो इक्वल है या नहीं है, बराबर है या नहीं है, वो जो ऑपरेटर है वो वरीयता में जो रिलेशन ऑपरेटर्स हैं उनसे पीछे होता है, उनसे उनके बाद में आता है। मतलब पहले ग्रेटर देन लेस देन वाले फैसले लिए जाएंगे, उसके बाद इक्वल या नॉट इक्वल वाले फैसले लिए जाएंगे, और उनमें भी लेफ्ट टू राइट ही वरीयता रहेगी। यदि दो ऑपरेशन साथ आ रहे हैं तो लेफ्ट वाला पहले किया जाएगा, राइट वाला बाद में। यहाँ पर एक और चीज़ आती है, जैसे हम इक्वलिटी शो करते हैं कि दो नंबर इक्वल हैं, दो नंबर बराबर हैं, तो हमें असाइनमेंट के लिए इक्वल का साइन काम में लेते हैं, इक्वलिटी के लिए डबल इक्वल का साइन काम में लेते हैं, दो बार इक्वल का साइन लिखते हैं। इसलिए टू अवॉइड कन्फ्यूजिंग असाइनमेंट एंड इक्वलिटी, द असाइनमेंट ऑपरेटर शुड बी रीड गेट्स एंड इक्वलिटी ऑपरेटर शुड बी रीड डबल इक्वल। तो ये कन्फ्यूजन ना आए इसलिए हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय रीड करते समय इक्वल टू जो असाइनमेंट वाला है उसको हम गेट्स कहते हैं। जैसे नम वन इक्वल टू नम टू करूँ तो नम वन गेट्स द वैल्यू ऑफ नम टू, इस तरह से पढ़ते हैं कि नम वन को नम टू की वैल्यू मिल गई है, उसका मान मिल गया है। इसके अलावा यदि कंपैरिजन वाला होता है तो उसमें दो बार इक्वल का साइन आता है, इसलिए उसको हम डबल इक्वल कहते हैं। सी प्रोग्रामिंग जितने भी हम स्पेस देते हैं, न्यू लाइन एंटर दबा देते हैं या टेप दे देते हैं, वो वाइट स्पेस होते हैं। वो वाइट स्पेस उनको नॉर्मली इग्नोर किया जाता है, उनको अनदेखा किया जाता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे जो लाइन हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं, उनके बीच में कितना भी स्पेस दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आइडेंटिफायर हैं उनके बीच में स्पेस नहीं देंगे, मतलब वेरिएबल का नाम है उसके बीच में कहीं भी स्पेस नहीं देंगे। कुछ वर्ड्स हैं जो रिजर्व रखे जाते हैं, वे जो आइडेंटिफायर के रूप में काम में नहीं लिए जा सकते, और उनको हम वेरिएबल के नाम के रूप में काम में नहीं ले सकते। उनमें से कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, ENUM, रजिस्टर, टाइप डेफ, TYP, DF, CHR, EXTERN, रिटर्न, यूनियन, CONST, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड, कंटिन्यू, फॉर, साइंड, वॉइड, डिफॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ, वोलेटाइल, डू, इफ, स्टेटिक, वाइल। ये वो वर्ड्स हैं जिनको सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के नाम के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता। ये इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये मेटा करेक्टर्स हैं। मेटा करेक्टर्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इनको हम आइडेंटिफायर के रूप में काम में नहीं ले सकते क्योंकि ये जो वेरिएबल नेम्स हैं ये पहले से किसी और काम में आते हैं। जैसे हमने इंट और फ्लोट ये देख लिया, वॉइड को देख लिया है, इफ को देख लिया है, इसी तरह से ये पहले से किसी नाम में के रूप में ये परिभाषित हैं। इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें C99 जो ये सी प्रोग्रामिंग के डेवलपमेंट के कुछ भाग हैं, जिनमें C99 में कुछ और नेम्स को मेटा करेक्टर्स बना दिया गया है जिनको वेरिएबल के रूप में नहीं काम में ले सकते हैं, जिनमें एक है अंडरस्कोर बूल, अंडरस्कोर कॉम्प्लेक्स, अंडरस्कोर इमेजनरी, इनलाइन, रेस्ट्रिक्ट। इसी तरह से C11 जो ड्राफ्ट है स्टैंडर्ड, उसमें अंडरस्कोर ALIGNS, एलिगन ऑफ, अलाइन ऑफ, अंडरस्कोर एटॉमिक, अंडरस्कोर जेनेरिक, अंडरस्कोर नो रिटर्न, अंडरस्कोर स्टैटिक, अंडरस्कोर एसर्ट एंड अंडरस्कोर थ्रेट, अंडरस्कोर लोकल, इनको भी हम वेरिएबल के नाम के रूप में काम में नहीं ले सकते, वेरिएबल नेम के रूप में काम में नहीं ले सकते।
सिक्योर सी प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर हमने तीन स्टेटमेंट लिखे हैं, वन प्रैक्टिस टू हेल्प अवॉइड लिविंग सिस्टम ओपन टू अटैक्स, ए इज टू अवॉइड यूजिंग प्रिंटएफ विद ए सिंगल स्ट्रिंग आर्गुमेंट, दूसरा लिखा है टू डिस्प्ले स्ट्रिंग फॉलोड बाय न्यू लाइन करेक्टर यूज द पुट्स फंक्शन विच डिस्प्लेज इट्स स्ट्रिंग आर्गुमेंट फॉलोड बाय ए न्यू लाइन करेक्टर, तीसरा टू डिस्प्ले स्ट्रिंग विदाउट ए ट्रेलिंग न्यू लाइन करेक्टर यू कैन यूज प्रिंटएफ द फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्गुमेंट परसेंटेज एस फॉलोड बाय ए सेकंड आर्गुमेंट रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रिंग टू डिस्प्ले द कन्वर्जन स्पेसिफाई परसेंटेज एस फॉर डिस्प्लेइंग ए स्ट्रिंग। इनको समझते हैं। तो इसके लिए तीन प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखे हैं, चार स्टेटमेंट यहाँ लिखे हैं। इन चारों स्टेटमेंट में पहला जो है सेंटेंस जो हमने लिखा था, वी वुड अवॉइड लॉन्ग स्ट्रिंग इन प्रिंटएफ। स्ट्रिंग किसको कहा है या करेक्टर स्ट्रिंग किसको कहा है, तो प्रिंटएफ के अंदर जो डबल कोट्स के अंदर लिखा है, जैसे हमने यहाँ लर्निंग स्पेस सी स्पेस प्रोग्रामिंग डॉट डॉट स्लैश बैक स्लैश एन ये लिखा है, ये करेक्टर स्ट्रिंग है। तो हमें प्रिंटएफ स्टेटमेंट के रूप में ऐसी लंबी स्ट्रिंग लिखने से बचना चाहिए। ये ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन कई बार हम आवश्यकता अनुसार बहुत लंबी लिख लेते हैं, जो एक लाइन में नहीं आती है वो दो तीन लाइन में आती है। तो हमें इस तरह की लिखने से बचना चाहिए, इस तरह की नहीं लिखनी चाहिए जो प्रोग्राम को अट्रैक्टिव नहीं बनाती हैं। ये छोटी लिखी हुई हों वो प्रोग्राम को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। इसको हम आगे कुछ और एग्जाम्पल्स में समझते हैं। पहले हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग लिख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है प्रिंटएफ और डबल कोट्स के अंदर लर्निंग स्पेस सी स्पेस प्रोग्रामिंग डॉट डॉट बैक स्लैश एन और सेमीकोलन। दूसरे बॉक्स में जो लिखा है वहाँ प्रिंटएफ की जगह पुट्स लिखा है। यहाँ ध्यान दें, जो कोटेशन के अंदर है वहाँ बैक स्लैश एन नहीं लिखा है। तीसरे बॉक्स में दो प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखे हैं, पहले में लर्निंग बाद में स्पेस लिखा है और दूसरे प्रिंटएफ स्टेटमेंट में सी स्पेस प्रोग्रामिंग डॉट डॉट बैक स्लैश एन लिखा है। ये तीनों बॉक्सेस सेम आउटपुट देंगे, तीनों बॉक्सेस के आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए हम तीनों को सेम सिमिलरली ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है कि सिमिलरली ट्रीट कर सकते हैं तो तीनों में डिफरेंस क्या है। तो आउटपुट में हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो पहला प्रिंट टाइप स्टेटमेंट है उसमें जैसा लिखा है वो प्रिंट करेगा और लास्ट मैंने बैक स्लैश एन लिखा है इसलिए न्यू लाइन में ले जाएगा। जो पुट्स है उसमें बैक स्लैश एन नहीं लगाते हैं तो भी वो न्यू लाइन में ले जाता है, इसलिए यदि हमें बैक स्लैश एन नहीं लगाना हो तो पुट्स फंक्शन काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा बॉक्स है उसके दोनों स्टेटमेंट्स को मैं अलग अलग बॉक्स में लिख देता हूँ, दोनों स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को अलग बॉक्स में लिख देता हूँ, दो जगह लिख देता हूँ जिसमें सिर्फ लर्निंग लिखा हुआ था। अब यहाँ पर हम दो बॉक्सेस देख रहे हैं, पहले बॉक्स में लर्निंग लिखा है, दूसरे में दो स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं, पहले स्ट्रिंग में परसेंटेज एस और दूसरे में लर्निंग लिखा है। जैसे हम परसेंटेज डी लिखते हैं वहाँ इंटीजर आता है, वैसे ही परसेंटेज एस की जगह स्ट्रिंग आ जाती है। स्ट्रिंग मतलब करेक्टर्स का एक कलेक्शन है, तो यहाँ पर यह भी एक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है। और मतलब यहाँ परसेंटेज एस लिखा है वहाँ एक स्ट्रिंग आएगी और यहाँ आर्ग्यूमेंट के रूप में जो डबल कोट्स में लर्निंग लिखा है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, इस तरह से हम अपनी फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसको छोटा कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है लिखने का। यहाँ पर जैसे एक कमेंट लिखा है टू डिस्प्ले स्ट्रिंग विदाउट ए ट्रेलिंग न्यू लाइन करेक्टर यू कैन यूज प्रिंटएफ। तो यहाँ पर वही है कि परसेंटेज एस हम लिख कर किसी स्ट्रिंग को इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ ये इनिशियल स्टेटमेंट्स ख़त्म होते हैं।